खबर राजस्थान की डूंगरपुर से है, जहां पर आप सभी को बता दें कि एसडीएम सहित 22 लोगों को बंधक बनाने का मामला सामने आया था और इसी के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस विधायक सहित 60 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। क्या यह मामला तय कर रहा है क्यों उन्हें बंधक बनाया गया था, सीधे दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले में एसडीएम समेत 22 सरकारी कर्मचारियों को बंधक बनाने के मामले में कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा समेत 60 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला डूंगरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुरपुर से जुड़ा हुआ है और यहां पर प्रशासन गाँव के संघ अभियान के फॉलोअप शिविर में आए उपखंड अधिकारी सहित 22 कार्मिकों को नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन में बंद कर ताला लगा दिया था। बाद में डूंगरपुर विधायक व यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा भी ग्रामीणों के समर्थन में पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठ गए थे। पंचायत भवन में मंगलवार दोपहर को बाद में करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा और उसके बाद डूंगरपुर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी और एडिशनल SP अनिल मीणा सहित पुलिस अधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।